वेलकम व्यूअर्स, मेम्स किचन में आपका बहुत बहुत खुश आमदी। तो अब हमें नई रेसिपी के साथ आया है जिसका नाम है रोज रोल आलू के समोसे। तो चलिए अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। इसके लिए पहले हम इसका डो बनाएंगे, जिसमें हमने लिया है 2 कप मैदे का आटा, अजवाइन, नमक, जिसमें हमने जीरा डाल के रखा। अब हम अपने डो में इसमें आधी चम्मच नमक ऐड कर लिया है। इसके बाद हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन के डालने का तरीका है, पहले हम इसे हाथ में निकालेंगे, इसे रब करेंगे, इसे मसलने के बाद फिर हम इसे आटे में डालेंगे। ये हमारा आटे में डल गया। अब आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें तेल डालेंगे, तीन चम्मच ऑयल डालेंगे। हमने इसमें 3 चम्मच ऑयल ऐड करा है। ये डो बहुत ज़्यादा सख्त गूंदेंगे, इसको डो को नरम नहीं करिएगा। हम इसमें पहले ऑयल को मिक्स करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, डो बहुत सख्त गूंदेगा। ध्यान रखिएगा डो को हमें नरम नहीं गूंदना। हाथ से अपना डो गूंदेंगे। हमारा डो अब रेडी है। इसमें हम हल्का सा अपने हाथ में तेल लेंगे, तो हल्के हाथ से तेल रब करेंगे। हमारा डो बहुत सख्त गूंदा है हमने, कि नॉर्मल आटे का डो नहीं है, इसको हमने बहुत सख्त गूंदा है। आप देख सकते हैं, नरम नहीं करिएगा अपने डो को, वरना समोसे टूट जाएंगे। अब हम इसको 20 मिनट के लिए हमारे आटे को हम ढक के रेस्ट देंगे। इसके तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब हमने आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। हमने इसमें 6 आलू लिए हैं। हम इसको अच्छे से 6 आलू, 1.5 पाव आलू है हमारे। हम इसको अच्छे से हम आलू को मैश करेंगे। अब हमारे आलू मैश हो चुके हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच लहसुन का पाउडर, 1 चम्मच अदरक का पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ जीरा, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ब्लैक पेपर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। इसके बाद हमें लेना है 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च, मतलब कॉर्न फ्लोर। आप चाहें इसमें तो आप ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं, और आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। इसके लिए फिर हम लेंगे चॉप्ड हमारा कोरिएंडर, धनिया। इसके बाद हम लेंगे प्याज, 1 प्याज लिए हमने, इसको बारीक काट लिया है। इसके बाद हमने 1 बारीक शिमला मिर्च ली है, उसको भी हमने फाइनली चॉप कर लिया है। इसके बाद हम आहिस्ते आहिस्ते सारे मसाले आलू के अंदर ऐड करेंगे। बाद हम उसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे, कॉर्न फ्लोर। अगर आपके आलू ज़्यादा नरम हो तो आप उसमें ज़्यादा कॉर्न फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। बाजू का आलू की ताजगी बहुत नरम हो जाती है बॉईल करने में, तो आप इसमें ज़्यादा ऑयल, ज़्यादा कॉर्न फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, या आपके ऊपर है। हम इसके बॉल बनाएंगे।
तेल लेंगे। हमारा डो सेट हो चुका है, हम उसको हाथ से समेटेंगे, उसको हल्का सा गूंदेंगे। अब बड़ी सी रोटी बनाएंगे। पहले हम अपने ट्रे पे हल्का सा आटा छिड़केंगे ताकि हमारी रोटियां चिपके। हमारी रोटी हमने बना ली है, साइड से आप रोटी बनाइएगा। इसके बाद हमने कटर लिया है, साइड से हम ये वाली एजेस से हम लोग उसको कट करेंगे। इस तरीके हम उसको कट करेंगे। हम बनाएंगे, ध्यान रखिएगा डो को ज्यादा हमें कड़क नहीं करिएगा, ज्यादा डो हार्ड होगा तो नहीं बनेंगे। सही, रोटी गोल शेप की काटी है, ध्यान से हम इसको इधर से कट करेंगे, इधर से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, बीच का पार्ट इतनी फिंगर जितना स्पेस करके फिर कट करेंगे, बीच का पार्ट छोड़ दीजिएगा। इसके बाद हम अपनी आलू की स्टफिंग लेंगे जो हमने तैयार करी है। हमने अपनी आलू की स्टफिंग तैयार करी है जो तो हम इसमें डालेंगे। फिर हम हमारी स्टफिंग जो हमने तैयार करी है उसको हम बीच में रखेंगे। इससे पहले हम ने लई बनाई है, आप भी लई बना लें, मैदे के आटे की बना लें, गेहूँ के आटे की बना लें। इसके बाद हम ये वाला पार्ट उठाएंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट को उठाएंगे। इसका हमें रोज दाल बनाना है। इसके बाद हम थर्ड पार्ट को उठाएंगे, देन फोर्थ पार्ट को। हमारा रोज तैयार है। अब हम अपने ऑयल में डालेंगे। अब हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए डीप फ्राई हो रहे हैं, ध्यान से इसको फ्राई करिएगा। तेल गरम हो जाए तब फ्राई करिएगा, अपना हाथ ना जलाइएगा। और इसका हम इंतज़ार करेंगे जब तक ये रेडिश हो जाए। ये बहुत अच्छे स्नैक्स हैं, आप इसे स्नैक्स के टाइम पे ले सकते हैं, शाम की चाय के साथ ले सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। हमारे मज़ेदार डो टोस्ट आलू के समोसे तैयार हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। अल्लाह हाफ़िज़।